मैंने घर पे ही पिज़्ज़ा बनाया है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। राम जी, आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैदा, उबला हुआ दूध, ठंडा, ऑयल, नमक, थोड़ी सी बूरा, बूरा की जगह आप चीनी भी ले सकते हो, बेकिंग पाउडर और दही। हमारे पास ईस्ट नहीं है, हम बिगर ईस्ट के ही डो लगाएंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हो। एक चम्मच बूरा, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, ऑयल, देखिए अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब कैसे करूं, हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका डो लगाएंगे। हमारा डो बन गया है, अब हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे और तब तक हम जो सब्जियां चाहिएगी वो कट कर लेते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हुआ है, मैंने सारी सब्जियां काट ली हैं। स्वीट कॉर्न, पनीर, पीली शिमला मिर्च, प्याज कट करी हुई क्यूब में और हरी शिमला मिर्च, मोज़रेला चीज, मेयोनीज़, पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा टॉपिंग। चलिए अब हम सब्जियां थोड़ी रोस्टेड कर लेते हैं, क्योंकि हम ओवन में नहीं बनाएंगे, हम बना रहे हैं तवे पे। तो थोड़ी सी हम सब्जियां पका लेते हैं शिमला में। ये सब चीजें डालने से हमारी सब्जियों में अच्छा फ्लेवर आएगा। पनीर, हमारी सब्जियां पक गई हैं। चलिए अब हम बेस बनाते हैं पिज्जा का। ये देखिए मैंने पेड़ा ले लिया है, अब हम इसको पत्थर पे बेलेंगे। सूखी मैदा में डिप करा, ने एक रोटी बना ली है। अब हम इसको, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, क्योंकि हमें तवे पे बनानी है तो ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। ये मैंने फोग लिया है, अब फोग से हम इससे हल्के हाथ से छेद कर देंगे। अब मैं दूसरी साइड से भी इसमें छेद कर रही हूँ, ताकि ये फूले ना और अच्छे से पक जाए। तवा मैंने रख दिया है और अब मैं बेस को तवे पे रख दिया है। हम इसको धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे और मैं इसे
दोनों साइड से पकाऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी जब पकेगा ये। ये देखिए हमारा बेस फूल भी गया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा पका है। अब मैं दूसरी साइड से भी पकाऊंगी। हम जो बाजार में खाते हैं वो एक ही साइड से करते हैं तो वो कच्चा रह जाता है, दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसा ही कलर आएगा। ये देखिए हमारा दूसरी साइड से भी कितना अच्छा बना है। अब हम इससे सब्जियों से कवर करेंगे। ये देखिए अब हम पिज्जा सॉस लगा रहे हैं पिज्जा पे। चम्मच से इसको फैला लेंगे। पिज्जा टॉपिंग सब्जियां, ये देखिए हमने सब्जियां लगा दी हैं। अब मैं डालूंगी इन पे चिली फ्लेक्स। हो गया नहीं, पहला चीज डाल दी है। ये देखिए मैंने तवे पे रिफाइंड लगा दिया है। अब हम इसको पकाएंगे धीमी धीमी आंच पे। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा पहला पिज्जा बन गया है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना है। आपको मैं नीचे से भी दिखाती हूँ। Okay.